हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेक्शन। आज की जो क्लास है वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर की लास्ट क्लास है, ठीक है। इसके बाद जो मेटल्स और नॉन मेटल्स टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है करोजियन एलॉयज एंड एलोट्रॉपी के बारे में, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद द क्लास। फर्स्ट जो इसमें टॉपिक है वो है करोजन। करोजन क्या होता है? करोजन इज बेसिकली कि जो मेटल्स हैं, ठीक है, अगर उनके सरफेस पे एयर के एक्शन से मॉइस्चर या कोई भी केमिकल गिरने की वजह से अगर उसका जो सरफेस है वो खराब हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? करोजन बोलते हैं, ठीक है। एयर, मॉइस्चर या किसी भी केमिकल के एक्शन से कोई एसिड उन पे गिर जाए, ठीक है, तो अगर उसका सरफेस जो है वो खराब हो जाए, दैट इज नोन एज करोजन, ठीक है। अब करोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग, ठीक है। अब आयरन है, लोहा वगैरह अगर एयर या मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में लॉन्ग टाइम के लिए पड़ा रहता है तो उसके ऊपर एक रेड कलर की लेयर सी फॉर्म होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आयरन नेल्स हैं, ठीक है। इस पे विद टाइम, ठीक है, धीरे धीरे इस पे ये रेडिश सी लेयर, ब्राउनिश रेडिश सी लेयर जो है वो फॉर्म होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। मीन्स इसका जो सरफेस है वो खराब होना शुरू हो जाता है, मीन्स जिसे बोलते हैं करोजन, ठीक है। अब आयरन के करोजन को बोलते हैं रस्टिंग, इट इज नोन एज रस्टिंग, ठीक है। अब रस्टिंग के लिए दो मेन कंडीशंस जो होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसके अगर ये दो कंडीशंस ना फुलफिल हो तो रस्टिंग नहीं होगी। सबसे पहले है कि एयर की प्रेजेंस होनी चाहिए, ठीक है। एयर की प्रेजेंस होनी चाहिए मीन्स कि अगर वैक्यूम है, वैक्यूम में रस्टिंग नहीं होगी आयरन पे। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, यानी कि पानी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कि अगर मान लो कि जो मेटल है वो पानी के कोई कॉन्टैक्ट में नहीं है विद टाइम, ठीक है, मीन्स कि वहाँ पे रस्टिंग नहीं होगी। तो टू मेन कंडीशंस जो इम्पोर्टेंट है रस्टिंग के लिए वो है एयर की प्रेजेंस एंड मॉइस्चर की प्रेजेंस, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है करोजन ऑफ कॉपर, ठीक है। जो कॉपर है इसके करोजन का जो प्रोसेस है बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, जो कॉपर है वो रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है एयर में, ठीक है, उसके साथ रिएक्ट करता है विद मॉइस्चर, यानी कि विद टाइम उसको मॉइस्चर भी चाहिए होता है करोड होने के लिए, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म करते हैं? कॉपर कार्बोनेट की लेयर फॉर्म कर देते हैं। दिस इज कॉपर कार्बोनेट की लेयर फॉर्म करते हैं, जो बेसिकली ग्रीन कलर की लेयर, ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है, जिसकी वजह से जब कॉपर करोड होता है तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर फॉर्म हो जाती है, ठीक है। उसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड भी फॉर्म होता है, दिस इज CuCuOH2, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो ओरिजिनल था वो कॉपर कलर का था, मीन्स कॉपर से बना हुआ है, ठीक है। तो मीन्स उसका ब्राउनिश कलर था, लेकिन विद टाइम, क्योंकि अब ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है 1875 में बना था, ठीक है, अब विद टाइम, ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट होती है, कॉपर जो है उसके साथ रिएक्ट करता है और मॉइस्चर उसको मिलता रहता है बारिश की फॉर्म में, ठीक है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट होके कॉपर क्या करता है, ग्रीन कलर का जो कॉपर कार्बोनेट पड़ा है वो फॉर्म करने लग जाता है, जिसकी वजह से जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी का कलर है वो ग्रीनिश कलर लगने लग गया, लेकिन ओरिजिनली वो किसका कलर क्या था, ब्राउनिश कलर था, ठीक है। तो इसे बोलते हैं करोजन ऑफ कॉपर, यानी कि जिसका कॉपर है वो करोड होना, इसका जो सरफेस है वो खराब होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ग्रीन कलर की लेयर जो है उस पर फॉर्म होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज करोजन ऑफ सिल्वर, ठीक है। अब जो चांदी के ऑर्नामेंट्स होते हैं, ज्वेलरी होती है, कोई आर्टिकल होते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं कि वो काले पड़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप अपने मम्मा की ज्वेलरी वगैरह देखो सिल्वर की, उनको बोलो ज्वेलरी, पुरानी ज्वेलरी निकालने के लिए, तो अगर आप देखो तो उसके ऊपर जो एक ब्लैक ब्लैक कलर की लेयर फॉर्म होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, वो क्या होता है, बेसिकली करोजन ऑफ सिल्वर, ठीक है। धीरे धीरे विद टाइम जो सिल्वर है वो करोड़ होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड की लेयर बनानी शुरू कर देता है, ठीक है, Ag2S, जो कि ब्लैक होती है कलर में, ठीक है। इसके वजह से जो सिल्वर है वो ब्लैकिश कलर में लगने लग जाता है, ठीक है। जैसे भी सिल्वर है ये बिल्कुल क्लीन है, लेकिन विद टाइम देखें तो ये ब्लैकिश लेयर जो है इस पर फॉर्म होने लग जाती है धीरे धीरे, ठीक है, विदाउट प्रॉपर केयर,
तो ये जो सिल्वर है देखो यहाँ पे कितना शाइनी है, लेकिन विद टाइम ये जो बिल्कुल ब्लैक उसमें चेंज हो जाता है, ठीक है, इसका सरफेस धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है। तो दिस वॉज करोजन ऑफ सिल्वर। नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि जो आयरन है वो प्रेजेंस ऑफ एयर और मॉइस्चर के बीच में रस्ट होना शुरू हो जाता है, यानी कि उस पर एक रेडिश ब्राउनिश लेयर जो है वो फॉर्म होनी शुरू हो जाती है। तो इस रस्टिंग से आयरन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? ठीक है, सबसे पहले है बाय पेंटिंग। पेंटिंग मीन्स कि उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की पेंट कर दिया जाता है। जैसे अगर आप घर में देख सकते हैं आयरन वगैरह रॉड्स लगे होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आयरन है उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का पेंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो पेंट क्या करता है कि वो आयरन और एयर को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में या मॉइस्चर को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने नहीं देता है, जिसकी वजह से जो रस्टिंग प्रोसेस है वो नहीं हो पाता है। ठीक है, यानी कि जो आयरन है वो करोड नहीं हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज बाय अप्लाइंग ग्रीस ऑयल। ग्रीसिंग कर बचपन में साइकिल वगैरह चलाते थे तो जो उसकी चेन होती थी वो क्या होती थी, विद टाइम वो रस्ट होनी शुरू हो जाती थी। ठीक है, खड़खड़ खड़खड़ बोने लग जाती थी साइकिल, तो क्या करते थे, भैया के पास जाते थे साइकिल वाले भैया के पास कि भैया इसकी ग्रीसिंग कर दो। वो क्या करते थे, ग्रीस लगा के वो पूरी चेन पे अच्छे से अप्लाई कर देते थे। ठीक है, तो वो ग्रीस क्या करती है बेसिकली कि वो जो उसमें आयरन लगा हुआ है आयरन और मॉइस्चर या एयर को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आने देती है, जिससे रस्टिंग का जो उसका प्रोसेस है वो स्लो हो जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन बेसिकली प्रोसेस है जिसमें आयरन के ऊपर एक जिंक की कोटिंग कर दी जाती है। ठीक है, और जो जिंक है वो आयरन को और एयर को कॉन्टैक्ट में नहीं आने देता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि कार कार में बहुत ज़्यादा आयरन यूज़ किया जाता है क्योंकि उसको स्ट्रॉन्ग चिप बनाना होता है, तो आयरन रस्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इसको एक जिंक की लेयर से इसको कोट कर दिया जाता है। ठीक है, जिंक की लेयर से इसको कोट कर दिया जाता है जिससे इसका जो रस्टिंग है वो नहीं होती है, उसकी जो आयरन है वो करोड नहीं होता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैल्वनाइजेशन। ठीक है, लास्ट इसमें है कि बाय टिन प्लेटिंग एंड क्रोमियम प्लेटिंग। ठीक है, आप जैसे देख सकते हैं जो टिन के कैंस वगैरह होते हैं उसमें आयरन जो है वो बहुत पतली पतली शीट्स की फॉर्म में यूज होता है, तो उसको करोजन से या रस्टिंग से बचाने के लिए उसके ऊपर टिन की लेयरिंग की जाती है। ठीक है, जिसे बोलते हैं टिन प्लेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे आता है क्रोमियम प्लेटिंग। क्रोमियम प्लेटिंग बेसिकली जो एक्सपेंसिव आर्टिकल्स को प्रिवेंट करने के लिए, उनको बचाने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि जो क्रोमियम प्लेटिंग होती है वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। तो इसमें क्या होता है कि आर्टिकल्स के ऊपर एक क्रोम की एक लेयर चढ़ा दी जाती है, जिसकी वजह से उसमें जो करोजन है या रस्टिंग है वो नहीं हो पाती है। ठीक है, लास्ट इसमें जो प्रोसेस है वो है एनोडाइजिंग का। एनोडाइजिंग बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट्स को करोजन से बचाने के लिए उनके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ा दी जाती है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इस प्रोसेस में बेसिकली ये होता है कि जो एल्यूमिनियम है यानी कि जिसकी लेयर जो आइटम्स के ऊपर चढ़ानी होती है, ठीक है, उसको कैथोड पे रखा जाता है, और जिन आइटम्स के ऊपर एनोडाइजिंग करनी होती है उसे एनोड के ऊपर रखा जाता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड इसमें इसलिए यूज होते हैं क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू करंट जो है वो बहुत ईजिली फ्लो हो जाता है, यानी कि जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है वो बहुत ईजिली कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जैसे ही इसमें करंट कंप्लीट होता है तो उससे क्या होता है कि जो लेड है ये ब्रेक होके इसके ऊपर लेयर जो है वो थिन लेयर जो है वो फॉर्म करनी शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जिससे एल्यूमिनियम को फर्दर करोजन से प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एनोडाइजिंग। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इसमें अलॉयज। अलॉयज क्या होते हैं बेसिकली? अलॉयज बेसिकली मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा मेटल्स को कंबाइन किया जाता है। ठीक है, अलॉयज को बनाया क्यों जाता है? ठीक है, अब कुछ मेटल्स के जो प्रॉपर्टीज होती है जैसे मेलेबल स्ट्रेंथ होती है उनमें, ठीक है, वो उनको वायर्स की फॉर्म में या शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इन प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए, इनको एनहांस करने के लिए जो मेटल्स के अलॉयज बनाए जाते हैं, यानी कि उस मेटल में एक या एक से ज़्यादा और मेटल को कंबाइन किया जाता है उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए या उनकी हार्डनेस को इंक्रीज करने के लिए, उनकी जो मेटल्स की जो भी प्रॉपर्टीज है उनको बेसिकली इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये ब्रास अलॉय है। ठीक है,
ब्रास में क्या होता है, 70% इज कॉपर एंड 30% इज जिंक, ठीक है। और जो ये ब्रास है, ये जो उसका जो मेन कंपोनेंट है विच इज कॉपर, उससे ज्यादा हार्ड होता है, इट्स हार्डर देन कॉपर, ठीक है। इसलिए कॉपर का एलॉय बनाया जाता है विच इज ब्रास, और ये बेसिकली किचन वेयर के लिए यूज होता है या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए उनके एलॉयज बनाए जाते हैं, ठीक है। एलॉयज आर स्ट्रॉन्गर देन द मेटल्स फ्रॉम विच दे आर मेड, ठीक है। अब जो ये ब्रास है, ये ज्यादा स्ट्रांग है कॉपर से, ठीक है। और कॉपर ही इसका क्या है, मेन कॉम्पोनेंट था, ठीक है। तो एलॉयज आर स्ट्रॉन्गर देन दी मेटल्स फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड। एलॉयज जो होते हैं अपने कॉम्पोनेंट से ज्यादा हार्डर भी होते हैं, ठीक है। दे आर मोर रेजिस्टेंस टू करोजन, यानी कि जो मेटल्स हैं, ठीक है, वो इजिली करोड हो जाते हैं, लेकिन जो उनके एलॉयज हैं उनका सरफेस इतनी इजिली खराब नहीं होता, यानी कि वो इतनी इजिली करोड नहीं होते हैं, ठीक है। और एलॉयज जो होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से, ठीक है, जिसकी वजह से उनके साथ वर्क करना ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। अब ये कुछ एग्जाम्पल हैं एलॉयज के, ठीक है, जिसमें उनकी कॉम्पोजिशन, उनके प्रॉपर्टीज और यूजेस के बारे में बताया गया है, ठीक है। सबसे पहले इसमें ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज में क्या होता है कि 90% इज कॉपर एंड 10% इज टिन। इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं कि ज़्यादा हार्ड होता है, ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और इतनी जल्दी करोड नहीं होता, और इसका जो सरफेस है वो ज़्यादा शाइनी होता है एज कम्पेयर टू कॉपर एंड टेन। इसके यूजेस हैं कि ये मॉन्यूमेंट्स में बनाने के लिए हेल्प होता है, स्टैचूज वगैरह, स्वॉर्ड्स वगैरह यानी कि तलवार वगैरह, आर्टिस्टिक मटेरियल्स वगैरह बनाने के लिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। ब्रास, ब्रास हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टील, स्टील में क्या होता है कि 99% इज आयरन एंड 1% इट इज कार्बन। इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा हार्ड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसको कंस्ट्रक्शन ब्रिजेस में, इसको घरों में भी यूज़ किया जाता है, वो बेसिकली स्टेनलेस स्टील होता है जो घरों में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसको बिल्डिंग, कार्स, रेलवे ट्रैक्स वगैरह बनाने के लिए स्टील को यूज़ किया जाता है। ये जो ट्रैक्स है बहुत स्ट्रांग होने चाहिए सो दैट वो रेलवे जो ट्रेन्स हैं और जो पैसेंजर है उनका वेट को वो बेयर कर सके, ठीक है। इसलिए उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और हार्ड बनाने की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट इज स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील इसमें 74% इज आयरन, 8% इज कार्बन एंड 18% इट इज क्रोमियम। क्रोमियम की उस पर लेयर बना दी जाती है जिसकी वजह से वो रस्ट नहीं होता, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी है कि वो शाइनी होता है, स्ट्रांग होता है, और वो इतनी जल्दी रस्ट नहीं होता है। ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है, घरों में यूटेंसिल्स के फॉर्म में यूज़ होता है। नेक्स्ट इज ड्यूरेलियम, ठीक है। इसमें 93% इज एल्यूमिनियम, 3% इज कॉपर, 3% मैंगनीज मैग्नीशियम सॉरी एंड 1% इज मैगनीज। इसको लाइट और स्ट्रॉन्ग यानी कि इसका जो वेट है उसको कम करने के लिए यूज़ किया जाता है, और वेट कम होना चाहिए लेकिन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो बेसिकली इसकी जो मेन रिक्वायरमेंट होती है वो एरोप्लेन्स बनाने के लिए यूज़ की जाती है, क्योंकि एरोप्लेन्स की बॉडी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, क्योंकि वो जो एयर प्रेशर है उसको बेयर कर सके, ठीक है। और उसको लाइट भी बनाना होता है, क्योंकि उसका अगर बहुत ज़्यादा वेट होगा तो उसको उतना ही ज़्यादा फ्लाई करने में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो एरोप्लेन्स की बॉडी बनाने के लिए ड्यूरेलियम जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, एंड बुलेट ट्रेन्स को बनाने के लिए भी ड्यूरेलियम यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज पेप्टर, इसमें 96% इज टिन, 3% इज कॉपर एंड 1% इज एंटीमनी। इसको ज़्यादा लस्ट्रस यानी कि ज़्यादा शाइनी और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसको इट इज़ यूज इन मेकिंग ऑफ सोवेनियर्स, सोवेनियर्स यानी कि जो जैसे कोई बंदा पेरिस जाता है तो पेरिस से एक छोटा सा मॉन्यूमेंट ले आता है एज अ एक मेमोरी की उससे, ठीक है। तो दोज आर सोवेनियर्स, तो सोवेनियर्स बनाने के लिए इस एलॉय का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है वो है एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी बेसिकली वो प्रॉपर्टी है जिसमें जो सब्सटेंसेस होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम होती हैं, लेकिन उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो टोटली डिफरेंट होती है। तो उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं एलोट्रॉप्स, एंड उनकी प्रॉपर्टी को बोलते हैं एलोट्रॉपी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बन है, कार्बन के एलोट्रॉप्स है डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन एंड सूट, और भी बहुत सारे इसके एलोट्रॉप्स होते हैं,
ठीक है, इसमें क्या होता है कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम होती है, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे अब डायमंड और ग्रेफाइट को देखा जाए, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती हैं, लेकिन टोटली फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी टोटली डिफरेंट होती है। ठीक है, एलोट्रॉप्स बेसिकली स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन होते हैं उनके एलिमेंट का, यानी कि कार्बन का अलग अलग मॉडिफिकेशन है जो एलोट्रॉप्स हैं। ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो कार्बन का ही मॉडिफिकेशन होते हैं। ठीक है, एटम्स ऑफ एलिमेंट आर बॉन्डेड इन डिफरेंट मैनर। ठीक है, जैसे अभी कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, जैसे ग्रेफाइट है, इनके जो एटम है ये इस वे में बॉन्डेड हैं। ठीक है, और जो डायमंड है के एटम्स हैं वो अलग स्ट्रक्चर के फॉर्म में बॉन्डेड होते हैं, इनके जो एटम्स होते हैं। ठीक है, यानी कि जिसकी वजह से इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो टोटली डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रखने वाला है कि जो एलोट्रॉपी है वो सिर्फ एलिमेंट्स के लिए यूज की जाती है, कंपाउंड्स के लिए यूज नहीं की जाती है। ठीक है, तो एलोट्रॉपी इज ओनली यूज फॉर एलिमेंट्स। अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन, कार्बन के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, कोल, चारकोल, गैस कार्बन। ठीक है, डायमंड है, ये कोल है, तो ये दीज आर ऑल फॉर्म्स ऑफ कार्बन। ठीक है, जिसमें हम सिर्फ दो ही कार्बन के जो फॉर्म्स हैं वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है नेक्स्ट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बेसिकली एक सॉफ्ट ग्रीसी सा सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो ग्रेइश, डार्क ग्रेइश कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज हैं कि इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ईजिली अपने थ्रू पास होने देता है। ठीक है, ये डायमंड से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इट्स मोर केमिकली रिएक्टिव देन डायमंड। और जो ग्रेफाइट होता है बेसिकली इलेक्ट्रोड्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है, लेड पेंसिल्स जो नॉर्मली पेंसिल्स यूज़ करते हैं उनका लेड बनाने के लिए ग्रेफाइट यूज़ किया जाता है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट इन स्टील मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, पेंसिल की लेड्स हैं ये, इनके लिए भी ग्रेफाइट जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। ठीक है, रिव्यू क्वेश्चन करते टाइम जैसे मैंने हमेशा कहा है, क्वेश्चन के बाद ज़रूर वीडियो पॉज करके उसका आंसर खुद करने की कोशिश करना। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। सबसे पहले द ईटिंग अप ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और बाय केमिकल ऑन देयर सर्फेस इज कॉल्ड कि, ठीक है, जो मेटल्स है एयर और मॉइस्चर के थ्रू ख़राब हो जाते हैं, तो उसके प्रोसेस को क्या कहते हैं? डक्टिलिटी, करोजन, एलॉय या एलोट्रॉपी? द आंसर इज बी, करोजन। ठीक है, और आयरन के खराब होने को क्या कहते थे? रस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्सटेंसेस विच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है, उन सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं? रस्टिंग, एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉपी या एलॉयज? दे आर नोन एज बी, एलोट्रॉप्स, और उनकी इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? एलोट्रॉपी। लास्ट क्वेश्चन इज रस्टिंग कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, कि रस्टिंग को किस मेथड से प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है? बाय पेंटिंग, बाय कीपिंग इट इन वाटर, बाय गैल्वनाइजेशन, बाय टिन प्लेटिंग एंड क्रोमियम प्लेटिंग? द आंसर इज बाय कीपिंग इट इन वाटर, यानी कि अगर हम उसको पानी में रखेंगे फिर तो रस्टिंग होगी होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि रस्टिंग के लिए दो कंडीशंस बहुत ज़रूरी होते हैं, दैट इज प्रेजेंस ऑफ एयर एंड प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।